दोस्तों, अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जो स्वर्ग के समान हो, जहां जाकर ऐसा लगे कि मानो आप वास्तव में स्वर्ग में आ गए हों, जहां के नज़ारे देखते ही आपका दिल सहम जाए। जी हां, भारतवर्ष का प्रसिद्ध प्रदेश हिमाचल प्रदेश, जहां एक ऐसी ही वादियां हैं जो वास्तव में स्वर्ग के समान ही हैं। यहां जाने के बाद इंसान अपने सारे दुखों को भूल जाता है और यहाँ की यादों को अपने दिल में समेट कर लाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ घूमो जी भर के। दोस्तों, आज हम आपको हिमाचल प्रदेश स्वर्ग के समान दिखने वाले स्थान पार्वती वैली यानी कसोल की यात्रा करवाएंगे और बताएंगे कि इस ट्रैक पर जाने पर कौन कौन से स्थान आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पार्वती वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये वैली कई गांवों का समूह है। ये वैली या घाटी दुनिया भर में अपनी गांजे और भांग चरस की किस्म के लिए चर्चित है। आपको यहां गांवों में काफ़ी कैफे मिलेंगे, जहां विदेशी ट्रेवल्स खासकर इजरायली और हिप्पीज आपको मिलेंगे। सच कहें तो पार्वती वैली ट्रैवलिंग की एक अलग ही परिभाषा कहती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के भुंतर कस्बे से पार्वती वैली की शुरुआत होती है और यहीं से ये पूर्व की तरफ फैला हुआ है। इसका नाम पार्वती और व्यास नदी के संगम से बना है। पार्वती वैली के सड़क आपको मलाना गांव तक लेकर जाती है, जो मशहूर टूरिस्ट स्पॉट कसोल के पास है। ये सड़क मशहूर सिख और हिंदू तीर्थ स्थल मणिकरण से होकर गुजरती है और ये पुलगा तक जाती है। पार्वती हाइड्रोल प्रोजेक्ट डैम पूरे लैंडस्केप को डोमिनेट करता है। पुलगा से एक पैदल रास्ता रूहनाग वाटरफॉल के पास बने मंदिर और छोटे से ढाबे तक जाता है, जहां बहता हुआ पानी आपको किसी सांप जैसी आकृति का एहसास कराता है। रूहनाग वाटरफॉल के बाद रास्ता पाइप के फॉरेस्ट तक जाता है, जो खीर गंगा की स्पिरिचुअल साइट भी है। माना जाता है कि भगवान शिव ने यहां 3000 साल तक तपस्या की थी। खीर गंगा का पानी हिंदुओं और सिखों के लिए पवित्र माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहां के जल से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। खीर गंगा से तुंडा कुछ गांव तक पार्वती वैली पहाड़ों के जरिए से और ऊंचाइयों पर बढ़ती जाती है। घने जंगलों से होकर रास्ता गुजरता है। कई नदियां मुख्य पार्वती नदी में आकर समृहित हो जाती हैं और कई झरने आपको जगह जगह दिखाई देंगे। दोस्तों, ये रास्ता पूर्व में डिब्बी बोकरी पैरामिड तक जाता है, जिसकी ऊंचाई 6400 मीटर है। ये इलाका अल्पाइन के फूलों के लिए मशहूर है। ठाकुर कुआं गांव से आगे पार्वती वैली के रास्ते में पंडोपोल विलेज आता है, जहां दो प्राकृतिक चट्टानों के पुल पार्वती नदी और एक दक्षिणी सहायक नदी को पार करते हैं। किवंतिकी के अनुसार इन पुलों को पांडवों ने अपनी अथाह शक्ति से निर्मित किया था। पांडव पुल से पार्वती नदी की आगे की चढ़ाई पर विस्तृत घाटी धीरे धीरे 4100 मीटर की पवित्र जगह पहुंचाती है, जो पार्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। मैंथाली लेक 4100 मीटर से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए पिन पार्वती पास यानी कि 531 मीटर को क्रॉस करना होता है, जो कि पूरा जोखिम भरा रास्ता है। और दोस्तों, जो ट्रैकिंग प्रेमी हैं वो इस रास्ते को स्वर्ग के समान समझते हैं, जो पिन वैली नेशनल पार्क में है। और ये रास्ता आपको लाहौल स्पीति जिले के मुंद विलेज में लेकर जाता है। पार्वती वैली के ट्रैकिंग रूट भी
ट्रैकर्स और टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ पर हजारों की संख्या में पॉपुलर डेस्टिनेशन को होते हुए ट्रैकर्स और टूरिस्ट आते रहते हैं। दोस्तों, ये जगह वास्तव में स्वर्ग के समान है। हिमाचल प्रदेश में कसोल जाते हुए आपको ये सारी वादियाँ देखने के लिए मिल सकती हैं। कभी भी आपको अगर ट्रैकिंग करने का और नेचर देखने का मन हो तो आप पार्वती नदी के पास जरूर जाएं। आप पार्वती वैली में शानदार तरीके से सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ न सिर्फ गांवों में हर घर में खेती करते हैं बल्कि अनेकों तरीके से उसे बनाया भी जाता है। यहाँ अभी भी पुराने लोग गांव में भांग की और चरस की खेती करते हैं। पार्वती वैली में आपको मलाना क्रीम मिलेगी जिसके लिए इजरायली टूरिस्ट के साथ साथ यहाँ आने वाले सभी लोग दीवाने रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ गांजे को सिर्फ एक ही रूप में नहीं देखा जाता है। यहाँ अलग अलग प्रकार के गांजे आपको मिलेंगे। पहाड़ों में गांजे के बीज को फूड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसकी और किस्मों के बारे में जानते हैं। रसोल कसोल से 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आप एक छोटे से गांव रसोल पहुंचेंगे। तोष कसोली से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बैकपैकर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन है। पूरे साल यहां लोग आते ही रहते हैं। दोस्तों, यहां आने के लिए कोई सीजन या ऑफ सीजन की जरूरत नहीं होती है। जो लोग नेचर लवर्स हैं और जो लोग ट्रैकर्स हैं वो यहाँ 12 महीने भी आ सकते हैं। ग्राहम पार्वती वैली का छिपा हुआ खजाना ग्राहम है। यहाँ आपको ग्राहम विलेज में मिलेगा जो 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव तक का ट्रैक बेहद ही स्ट्रिप है। कसोल से यहाँ पहुंचने में आपको करीब 5 घंटे तक लग जाते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है और पथरीली है। नगारू में मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। जी हाँ, नगारू हिल तक पहुँचने के लिए ग्राहम से करीब 2 से 3 दिन का ट्रैक करना पड़ता है। इसके लिए आपको प्रोफेशनल ट्रैकर्स की हेल्प लेनी होगी। नगारू की ऊंचाई कसोल से 12,500 फीट की है। वेचिन वैली, कसोल जाने वालों के लिए ये घाटी कोई अनोखा नाम नहीं है। सभी लोग जो कसोल जाते रहते हैं वो वेचिन वैली के बारे में जानते हैं। वेचिन वैली भी एक टूरिस्ट स्पॉट ही है जहां हर साल कई लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से हम आपको कसोल की पार्वती वैली और रास्ते में पड़ने वाले अनोखे झरनों की वीडियो दिखा रहे हैं जिनको देखने से ही मात्र आपको पता लग जाएगा कि यह जगह स्वर्ग के समान ही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह झरना कितनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। इस झरने का जब गिरता है तो इसके गिरने की आवाज को लोग अपने माइक्रोफोन और मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं, मानो मोती ऊपर से गिर रहे हों। तो दोस्तों, ये थी कसोल और पार्वती वैली की यात्रा। पार्वती वैली एक वास्तव में स्वर्ग के समान स्थान है। जब भी आप हिमाचल प्रदेश आएं और अगर आपका ट्रैकिंग करने का मन है और अगर आप नेचर प्रेमी हैं तो आप कसोल वैली यानी कि पार्वती वैली ज़रूर जाएं। कसोल और पार्वती वैली में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ये सारे स्थानों की जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दी है, यानी कि आपके पास जितना भी समय है अपने टूर को पूरे करने का, आप इनमें से अपने चूजिस स्थान को लेकर अपने टूर को कवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप ट्रैकर्स नहीं हैं तो अपने साथ किसी प्रोफेशनल ट्रैकर को या गाइड को ज़रूर रखें, क्योंकि हो सकता है रास्ते में कुछ ऐसे भी रास्ते आते हैं कि जहाँ आप भटक जाएँ, तो वहाँ पर आपको हो सकता है गूगल नेविगेशन भी ना चल पाए।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी आप ऐसे रास्तों पर जाएं तो प्रोफेशनल गाइड की हेल्प जरूर लें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।